तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये पुलिस वाली वर्दी मुझ पे सूट कर रही है? तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। आज फिर जो है जोग ने आक्रमण कर दिया मेरे पांव पे। ये तो नासे लग गया। आने वाले 2-3 महीने बाद जो है माल्टे जो है बढ़िया करके लाल हो जाएंगे। जाड़ों में आती नहीं धूप यहाँ पे। आया इधर आ। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं संजय और स्वागत करता हूं आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। तो आज मैंने पहनी है पुलिस वाली वर्दी, लेकिन इस पे वो जो बैज मिलता है ना उत्तराखंड पुलिस वाला, वो तो सिर्फ मेहनत करने पर ही मिलेगा। आज जो है मतलब वीडियो लॉग शुरू हो रहा है आपका शाम के 4 बजे से। ऐसा इसलिए क्योंकि कल रात मतलब 6 बजे लाइट चलेगी और अभी मतलब जो है वही 4 बजे आई थोड़ी देर पहले। तो ऐसा ही सीन चल रहा है, मतलब जब थोड़ी थोड़ी बहुत बारिश हुई तो लाइट वाले जो है लाइट काट देते हैं। दोस्तों हमारे घर से जो है हिमालय के मतलब काफ़ी बढ़िया दर्शन हो जाते हैं। वो जो त्रिशूल पहाड़ है ना, मतलब त्रिशूल पर्वत से लेकर पंचाचूली पीक पूरी दिख जाती है। और जब से मैं घर आया हूँ तब से मतलब हिमालय में बादल बने हुए थे, मतलब हिमालय जो है पूरा बादलों से ही ढका हुआ था। तो मतलब मैंने भी अभी हिमालय के दर्शन नहीं किए हैं, मैं भी मिस कर रहा हूँ। मतलब तो 6-7 महीने पहले मतलब काफ़ी बढ़िया नज़ारा देखने को मिला था जब बर्फ़ पड़ती जाड़ में पिछले साल, तो काफ़ी मज़ा आया था तब तो। अंधाधुंध कहीं भी मतलब। खाली पूंछ ही ला रहा हो तो बस। ओए कहाँ भाग रहा है? कहीं भी हवा में है। आज फिर जो है जोग ने आक्रमण कर दिया मेरे पांव पे। पता नहीं कहाँ से लग रहे हैं और कहाँ गायब हो जा रहे हैं। और वहां जो है खेत मामा मडुआ तोड़ रही है। मुनी मुन तो ने मैंने लगे कि बाजू वाले बाल में बाल का करता हूँ ना। अरे हाँ जी गढ़वाल में कौदा कौन है? कौदा हाँ कौदा कौन है गढ़वाल में? जुमरा कौन है? दोस्तों आने वाले 2-3 महीने बाद जो है माल्टे जो है बढ़िया करके लाल हो जाएंगे, पक जाएंगे। काफ़ी मज़ा आता है इन माल्टे को खाने में और काफ़ी रसीले भी होते हैं यहाँ के माल्टे। और यहाँ पर लगाई थी हमने गीठी की बेल, तो बड़ी हुई नहीं पाई है क्योंकि शैतान बकरियों ने पहले काट के खा दिया इसको थोड़ा बहुत। और आसमान का हाल कुछ ऐसा है, बादलों से पूरा भरा हुआ है, वही बारिश बरस जाएगी थोड़ी देर बाद। और गर्मी के मौसम में मतलब आजकल इतनी खतरनाक धूप लगती है यहाँ पर को डायरेक्ट पड़ती है, तो मतलब गर्मियों में हमें ज़रूरत तो है नहीं। आजकल जाड़ों में आती नहीं धूप यहाँ पे, वो सीन तो आपको पता होगा ना कि 12 बजे धूप आती है और 2 बजे चली जाती है। और गर्मियों में आजकल जो है सुबह के 8-9 बजे पहुँच जाती है अपने घर पर और चले जाती है आपका शाम के 5 बजे। तो भाई खतरनाक धूप लग रही है आजकल तो। और हमारा भागा हुआ भैंस जो है यहाँ पहुँच गया है। ओम भैंस पूछ सा तो पसील भी हो पसील में पूछ के भैंस होने हो चल हट जाओ तो ना हट 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 के न होने सर के ऐसा न होने होने हाँ ना 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 ओए ओए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये पुलिस वाली वर्दी मुझ पे सूट कर रही है? तो भैया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो इसको पाने में काफ़ी मेहनत लगती है भैया, ऐसे तो मतलब कोई भी पहन लेगा, लेकिन जो मज़ा पेपर निकाल के मतलब जो पूरी प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करके पहनने में है, वो मज़ा कहीं नहीं भैया। तो मेहनत कीजिए और मेहनत के दम पर जो है इस वर्दी को पाइए। ओए बदमाशो
ओ भैंस वहां गया, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे छिपकली? बकर भी मल जाना ना, जा जाना ना तिमल के वहां पूछ जान। ओ दिख तो रही है वो, और दिख तो रहो पाटूंग मजाओ मेल। हाँ चल वैसे चल जा बदमाश है, चल वैसे चल। ओए साले आ या इधर आ, कहाँ हमारा गद्दी कर रहे ऐसे, चल तमाको बदमाश है, नाचने आया है, कोई डांस कॉम्पिटिशन चल रहा है, ये तो नाचे लग गया। बहुत शतान हो रहा साला, अबे नीचे आओ डॉगी। वैसी हमारा गद्दी कर रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारा भैंस तो ऐसा ही है, आवारा गर्दी करने वाला है। तो भैया आसमान में मतलब जो है काफ़ी गड़बड़ लग रही है, आसमान जो है अभी अभी पूरा ढक गया है पश्चिम दिशा से, मतलब जो है भाई काफ़ी बहुत सारे बादल आ गए हैं, लगता है तगड़ी बारिश होने वाली है। तो भैया लाइट तो है नहीं, अभी चली गई थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, और मोबाइल में बैटरी भी कमी है। तो इस वाले वीडियो लॉग को भैया यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो लॉग में। तब तक जो है भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बारिश की बूंदें भी आने लग गई हैं। तब तक जो है गुड बाय। दोस्तों पहाड़ों में आजकल जो है भयंकर बारिश हो रही है, तो अब तो झरना भी आ गया है वो बारिश के चक्कर में।